दोस्तों, मैं संजय कुमार भारद्वाज। दोस्तों, पत्रकारों ने मोदी से कहा था पाकिस्तान बारे में, क्वेश्चन पूछा था। मोदी ने कहा, अरे क्या पाकिस्तानी बात करते हो यार, तो मेरा बात कहते हैं पाकिस्तान पाकिस्तान। एक दिन ऐसा आएगा कि पाकिस्तान कटोरा लेकर के भीख मांगेगा। वो दिन आ गया, मोदी ने वो कर दिखाया जो आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर हमारे हिंदुस्तान का नहीं कर पाया। आज उसकी स्थिति क्या है देखिए आप, वहाँ पर आप वहाँ के लोग जो है ना, दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं, उनको खाना नहीं मिल रहा। और वहाँ पर 12-12 घंटे लाइट जा रही है, लाइट नहीं आ रही। अभी कुछ दिन पहले तो पूरे पाकिस्तान के अंदर 24 घंटे के अंदर लाइट चली गई थी। ऐसा तो हिंदुस्तान में आता नहीं हुआ हमारे यहाँ पे। और पाकिस्तान के जो निवासी हैं उनके पास 2 वक्त की रोटी खाने का इंतजाम नहीं है। काफ़ी लोग वहाँ के, करोड़ों लोग ऐसे हैं जो 1 वक्त की रोटी खाकर गुजारा कर रहे हैं। और 250 रुपये पेट्रोल का रेट हिंदुस्तान में आप 90 और 100 आते ही हल्ला हो जाता है हिंदुस्तान के अंदर। आटा हमारे तो 30-32 है और पाकिस्तान में 150 रुपये किलो आटा चल रहा है। और वहाँ गरीबी बहुत भयंकर, और जो छोटे मोटे है ना सब्जी, साग सब्जी, आलू वगैरह, टमाटर वगैरह, इनके रेट इतने हाई हैं, इंडिया से 5 गुने रेट है वहाँ पर। वहाँ बहुत बुरी स्थिति है वहाँ की। और देखिए आप, बता दूँगा आपको, उसके पास है जो आज की डेट में 4.5 अरब डॉलर है विदेशी मुद्रा भंडार। ये उसका जो पैसा है उसके पास है विदेशी मुद्रा भंडार का, वो उससे मात्र 2 दिन व्यापार कर सकता है सिर्फ। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है ना 575 अरब डॉलर का है। अब बात ये आती क्यों है, क्यों आई स्थिति ये, इसको समझे जरा थोड़ा सा। मैंने आंकड़े डाटा दिया आपको। बात यह आई, सर सैयद अहमद खां, जिन्ना, रहमत अली, मोहम्मद इकबाल, इन्होंने ये कहा कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग सभ्यता संस्कृति हैं और ये एक साथ मिलकर नहीं रह सकते, इसलिए हमें पाकिस्तान नाम का अलग देश चाहिए। इन लोगों ने धर्म के नाम पर, इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान का निर्माण करवा लिया। और आप जानते हो कि इनकी जो प्रवृत्ति है हिंसक प्रवृत्ति होती है, एक साथ नहीं रह पाए। इस्लाम में भाईचारा बताया जाता है, इस्लाम में भाईचारा है, उस भाईचारे को नहीं निभा पाए। 25 साल का अंदर टूट गया, एक बांग्लादेश बन गया अलग से। इधर थोड़ी सी घटना आगे बढ़ते हैं हम, रशिया ने अपनी फौजें भेज दी अफगानिस्तान के अंदर। पाकिस्तान उस समय अमेरिका का पिट्टू था, अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए और पाकिस्तान ने रूस को भगाने के लिए वहाँ मुजाहिद खड़े कर दिए। मुजाहिद मीन्स आतंकवादी मानिए। रूस ने उनको अपने हाथ में छोड़ दिया, चला गया। वही मुजाहिदीन आज तालिबान बन गए। उनके क्या कहते हैं, उनके रक्षा मंत्री, गृह मंत्री क्या कहते हैं, हमने तो मुजाहिदीन तैयार किए थे, ये आतंकवादी बन गए। अभी अभी वहाँ सुना होगा आपने, वहाँ बम विस्फोट हुए। बम विस्फोट कौन कर रहे हैं, आपस में ही कर रहे हैं आतंकवादी, कि उनको तो हिंसा चाहिए, मारकाट चाहिए इनको। तो वहाँ पर अभी 150 मस्जिद के अंदर 150-250 मरे। उनके मंत्री ने क्या बयान दिया देखिए आप, कि ऐसा घटनाएं तो हिंदुस्तान में हिंदू भी अपने मंदिरों में नहीं करते, ऐसी घटनाएं तो इजराइल में वहाँ के यहूदी सिनेगांग में भी नहीं करते, जिनका पवित्र जगह होती है। तो ये हालत है। और देखिए ताजुब की बात, पाकिस्तान के अंदर सुन्नी लोग शियाओं को, अहमदियाओं को, मुहाजिरों को वो अपना मानती नहीं है, कि ये मुसलमान है ये, तो आपस में भारी फूट पड़ी हुई है। एक मैं टीवी में देख रहा था, पत्रकार ने पूछा उससे, एक महिला से, कि आप क्या चाहोगे। तो उसने कहा, मैं भारत जाना चाहती हूँ, भारत में समृद्धि है, शांति है, तरक्की है, वहाँ हम खुश रह सकते हैं हम। और यही हाल है ना, TTP जो पाकिस्तान का जो उग्रवादी संगठन है और तालिबान, इन दोनों ने गठजोड़ कर रखा है। ये दोनों मिलकर के पाकिस्तान पर जोरदार हमले कर रहे हैं। पाकिस्तान ने भी सिक्योरिटी के लिए बाढ़ लगा ली थी, बाढ़, उस बाढ़ को भी तालिबान और TTP ने उखाड़ फेंक दिया। आज पाकिस्तान की हालत खराब है बहुत ज़्यादा। और मुझे तो ये खतरा लग रहा है कि उनकी डिमांड ये है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनवा, इसको इलाके को मिला करके एक पश्तूनों के लिए एक अलग देश बनाया जाए। आज पाकिस्तान की आर्मी TTP और तालिबान से बुरी तरह थरथरा रही, कांप रही है। इधर देश में बदहाली, अच्छा कर्ज देखिए, दुनिया को कोई देश इसको कर्ज नहीं दे रहा। आज कटरा लेकर भीख मांग रहा है, इसका पक्का दोष चीन भी नहीं दे रहा, इसकी हेल्प कर रहा। पक्का दोष सऊदी अरब भी इसकी हेल्प कर रहा। दुनिया में के 57 मुसलमान देश हैं, कोई इसकी हेल्प नहीं कर रहा। इसका कोई कटरा लेकर घूम रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के पास गया, उसने कहा 125 अरब डॉलर की लोन दूंगा, देंगे, परंतु शर्त इतनी कठोर लगा दी, यदि पाकिस्तान ने कहा कि हम शर्त मानते हैं तो हम अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के गुलाम बन जाएंगे। आज उसकी स्थिति कंगाल बना दिया मोदी ने अपनी रणनीति के द्वारा।
तो ये भी तो कहते हैं मोदी है तो मुमकिन है। पाकिस्तान और तो और अपने गधे भी उसको बेचे थे चाइना को, चाइना पैसे लेने के लिए भूखमरी फैल रही थी। तो आज और मुझे तो डर है कई हाल रहा तो कहीं ऐसा ना हो 10-15 साल के अंदर अंदर पाकिस्तान में एक उपद्रव हो, एक आक्रोश हो, एक क्रांति हो, वहाँ के करोड़ों लोग शरणार्थी तौर पर इंडिया में आए। इसलिए भारत को अभी से सावधान होना चाहिए, अपनी बाउंड्री को सिक्योर कर ले। जिस तरह बांग्लादेश के वार में करोड़ों बांग्लादेशी हिंदुस्तान में आए थे, तो मैंने आपको बताया है पाकिस्तान अब तिल तिल करके अपने मौत के कगार पर बढ़ रहा है, अपना सत्यानाश अपना कर लेगा। तो हमें अपने देश को महान बनाना है। जय हिंद, जय भारत।